ताजनगरी आगरा का बीएसके फिल्म प्रोडक्शन आगरा के कलाकारों को स्थानीय स्तर पर काम देने की बड़ी भूमिका निभा रहा है। आगरा के होटल पीएल पैलेस में बीएसके फिल्म प्रोडक्शन द्वारा प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। फिल्म के प्रोड्यूसर फिल्म को लेकर काफी उत्साहित नजर आए, तो प्रेस वार्ता में मौजूद छवि ज्वेलर्स के चेयरमैन केशव अग्रवाल और विधायक जगन प्रसाद गर्ग ने फिल्म को लेकर प्रोड्यूसर मुकेश नेचुरल को बधाई दी। एक बेजुबा मोहब्बत जो कि आगरा के कलाकारों ने अपनी मेहनत से मूवी को बनाया है, और मैं इन सभी कलाकारों को बधाई दूंगा कि उनके कारण आगरा के जो प्रदूषण और जो इसके स्पॉन्सर हैं मूवी के, उनके द्वारा आगरा के छोटे छोटे कलाकारों को आगे बढ़ने का मौका मिल रहा है और अपनी मूवी जो कि आगरा के बेहतरीन गोल्ड सिनेमा में 28 तारीख को लॉन्च होगी। और मैं उन्हें शुभकामना दूंगा कि इसी तरीके की लगातार मूवियाँ वो बनाएं और अपने शहर के जो कलाकार हैं उनको उसमें शामिल करें। मैं दर्शकों से ये कहना चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में मूवी को देखें और जो मूवी में पहली मूवी है उनकी जो उनसे गलतियाँ हुई हैं उनको उनके बारे में बताएं, क्योंकि कलाकार भी लोकल के हैं और दर्शक भी आगरा के ही हैं, तो उन्हें बताएंगे तो निश्चित ही आगे मूवी में। मैं मूवी के सभी कलाकारों को बधाई दूंगा और जो मूवी में जिस तरीके से आगरा के वरिष्ठ समाजसेवियों ने हिस्सा लिया है, जिसने जो अपनी जिम्मेदारी मूवी में उठाई है, उन सबको मैं बधाई और शुभकामनाएं दूंगा। देखिए वाकई में ये आगरा के लिए बहुत सौभाग्य की बात है। भाई मुकेश अग्रवाल नेचुरल को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने आगरा के कलाकारों को आगे बढ़ाने के लिए ये बेजुबान फिल्म का जो है निर्माण कराया है। और वाकई में इनको बहुत उसमें मेहनत करनी पड़ी है, बहुत इनका योगदान है। वास्तव में आगरा के कलाकारों के जो नवोदित कलाकार हैं, संगीत के क्षेत्र में, गायन वादन के क्षेत्र में, कलाकारी के क्षेत्र में, एडिटिंग के क्षेत्र में, सब चीज़ों को, तो ये अच्छी बात है। यहाँ के कलाकार अगर बम्बई जाते हैं तो उनको वहाँ इतना एकदम नहीं मिल सकता। यहाँ से जब इनको सफलता मिलेगी तो वहाँ के लोगों की भी डिमांड आएगी। ये बहुत अच्छी बात है। वास्तव में तो बहुत से लोगों को नहीं है मौका मिल सकता था, इन्होंने मौका दिया है। और अपने आप जो बम्बई के जो डायरेक्टर हैं, प्रोड्यूसर हैं, जो भी हैं, उनको अपने आप यहाँ बुलाएंगे, इनकी फिल्मों को देखेंगे तो इनको अवसर मिलेगा। और ऐसा ही होता है, ऐसे ही होना चाहिए। मैं हर तरह से मदद करूँ, तन मन धन से, जैसे भी ये चाहेंगे, मैं इनसे अलग नहीं हूँ, मैं करूँगा। दो साल के बाद में जो खुशी आप प्राप्त हुई है, मैं बड़ी मेहनत के बाद में, बहुत अच्छा लग रहा है कि हमारी मूवी थिएटर तक पहुंच गई। लाखों हजारों मूवियाँ पड़ी हैं जो आज तक सेंसर नहीं हो पाई हैं। तो हम तो छोटे से कलाकार थे, आगरा शहर के, लोकल मूवी थी, हमें तो पता नहीं था कि सेंसर होने के बाद भी हमारी मॉलों में फिल्म लग सकती है। पूरे यूपी के मॉलों में, आगरा, मथुरा, अलीगढ़, हाथरस, मेरठ, सभी जगह फिल्म हमारी रिलीज़ हो रही है 28 सितंबर को। और मैं यही कहना चाहता हूँ कि इस फिल्म को जरूर देखें कि आपके शहर के बच्चों ने आखिर कैसे ये फिल्म बनाई है। आपको वास्तव में बहुत अच्छा गर्व होगा। किरदार के बारे में क्या, किस तरह का किरदार? मेरा किरदार तो आपको मैं देखकर ही पता लगेगा कैसा है। मुझे मेरा उस फिल्म के अंदर बहुत अच्छा किरदार है, आप देखिएगा। मुझे अपने आप बताने में भी अजीब सा लग रहा है, अपने आप नहीं बताना चाहिए, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ कि हमारे भाई बता रहे हैं। तो मेरा एक डायलॉग है बहुत ज़बरदस्त मशहूर है, और एक इसके अंदर आइटम सॉन्ग है बहुत ही फेमस होगा, वो आइटम जी गारंटी है मेरी, आइटम सॉन्ग तो ज़बरदस्त चलेगा ये पूरे देश में। और एक मेरी फिल्म का डायलॉग है, मैं बता देता हूँ, सुना भी देता हूँ। जब हीरो को मार के मैं नदी में फेंकवा देता हूँ तो हीरो का बाप आता है, ठाकुर साहब आखिर मेरे बेटे ने क्या बिगाड़ा था, तुमने उनकी जानी ले ली, क्या बेजुबानों पर अत्याचार करते हुए आपको शर्म समझ नहीं आती। तो जब मैं बाहर से, मैं अंदर कोठी हवेली से बाहर आता हूँ, ठकुरान आती है, मैं आता हूँ, मेरे और अदली आते हैं और मुनीम जी आते हैं, तो मैं उसको बोलता हूँ, बाकी अपनी जुबान पे लगाम दे वरना तेरा भी वही असर होगा जो तेरे बेटे का हुआ है। तेरे बेटे की औकात जो ठाकुर भानु प्रताप की बेटी से आग में चोली खेले, हरामजादे दफा हो जा, शेरा इस हरामजादे को कोठी से बाहर फेंक दो। यही मेरे कई बहुत सारे डायलॉग हैं जो कि आपको हिंट दिए मैंने। प्लीज़ आप मूवी देखने जरूर आइएगा। मैं बहुत बहुत उसको बधाई देना चाहता हूँ। आगरा के एक युवा युवक ने शहर के अंदर फिल्मों में जाकर नई
प्रथा का कायम किया है और बच्चों के लिए एक उज्जवल भविष्य की कामना की है। मैं इनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। प्रोड्यूसर मुकेश नेचुरल की माने तो फिल्म में ताजनगरी आगरा के 80-85% कलाकार कार्य कर रहे हैं। फिल्म में भूमिका निभाने वाले गौरव बंसल, प्रतिभा जिंदल भी अपनी भूमिकाओं को लेकर काफी उत्साहित नजर आए तो मौजूद अन्य लोगों ने भी खुशी जाहिर की। एक बेजुगान मोहब्बत कल एक फिल्म जो रिलीज होने वाली है, मुकेश नेचुरल जी को मेरी तरफ से मुकेश नेचुरल जी को, शुभी जी को बहुत बहुत अग्रिम शुभकामनाएं इस फिल्म के लिए। और मैं ये आशा करता हूँ कि फिल्म बहुत अच्छा करेगी आगरा में, क्योंकि ये फिल्म ग्वालियर में रिलीज हुई थी, MP में रिलीज हुई थी, इसने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया था। तो मेरी अग्रिम शुभकामनाएं सभी कलाकारों के लिए। ये फिल्म अपने आप में, एक इसकी जो स्क्रिप्ट है वो एक अपने आप में अनूठी है। मैं सभी एक दर्शकों से आग्रह करूंगा कि एक बार इस फिल्म को जाके देखें, क्योंकि जो स्क्रिप्ट लिखी गई है वो एक अपने आप में जो आजकल की फिल्में आ रही है उससे अलग हटकर के लिखी गई है। तो मैं तो बस यही आग्रह, एक बहुत छोटी सी भूमिका निभाई है हमने। मैं आपके चैनल के माध्यम से सर्वप्रथम तो ये सूचना देना चाहती हूँ कि कल जो बेजुबान मोहब्बत फिल्म लग रही है वो गोल्ड सिनेमा में और भगवान टॉकीज में और शांति सिनेमा में आगरा के 3 हॉल में लग रही है। जहाँ तक और मैं सभी को बधाई देना चाहती हूँ, सभी पात्रों को बधाई देना चाहती हूँ। एक छोटा सा रोल इसमें जो विलेन है उनकी समधिन का रोल, हीरो की माँ का रोल भी मेरा भी है इसमें। इस फिल्म के बनाने के पीछे का जो एक उद्देश्य है वो ये है कि कुछ बच्चे और कुछ महिलाएं या पुरुष भी जो चकाचौंध की दुनिया में जाना चाहते हैं और यहाँ से बम्बई भाग जाते हैं और वहाँ से वो असफल होकर लौटते हैं और उनके जो मन की प्रतिभाएं हैं, मन की इच्छाएं हैं, वो दम तोड़ देती हैं। उनको प्लेटफॉर्म देने के लिए, उनके प्लेटफॉर्म देने के उद्देश्य से ये फिल्म बनाई गई है। इस फिल्म में लगभग 80 मेंबर इसके आगरा में हैं, जो कि सबसे बड़ी बात यह है कि कुछ ऐसे वरिष्ठ समाज से भी इसमें हैं जो कि इसमें रोल किए हुए हैं। मुकेश जी भी हैं अभी तक, तो मुकेश जी अब अपने व्यवसाय से जो भी भागवत वगैरह होती थी, कोई भी कहना में कैसा भी काम होता था, राजनीतिक हो या वो कहना भागवत का हो, जनकपुरी का हो, कैसा भी कार्यों में आगे से बढ़कर अपने रुचि लेते थे। अब आगे आने वाले टाइम में वो जैसी भी फिल्में होंगी उनमें उतरने जा रहे हैं, अपना समाज सेवी का काम फिल्म के अंदर उतारने जा रहे हैं। कभी नेतागिरी पर भी होगी, बेजवान जो कहना है देखते आजकल जवान वाले प्यार भर करते हैं, बेजवान कैसे प्यार करते हैं, उन्होंने फिल्म के अंदर दिखाया है। ऐसा है कि ये जो फिल्म बनाई है मुकेश नेचुरल ने, एक मुकेश नेचुरल एक अलग सामाजिक कार्यकर्ता है आदमी, और इसने फिल्म बनाई है एक प्रेम मोहब्बत पर, उसकी आगे भी फिल्म आ रही है। पर फिल्म में उन्होंने जुनून डाला हुआ है, जो हमने पहले भी पिक्चर देखी, इसका ट्रेलर भी हमने थोड़ा सा देखा था, उन्होंने हमें ट्रेलर भेजा था, ट्रेलर भी देखा था, और ट्रेलर में ऐसा लगा कि वास्तविक का इसमें कोई हुनर है बहुत बड़ा मुकेश जी में, और फिल्म भी बहुत अच्छी हिट होकर जाएगी। सबको मैं तो बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा और सभी शहरवासियों से मैं ये कहना चाहूँगा ये पिक्चर बहुत बढ़िया है, आए और इसको देखें। आगरा के कलाकारों के लिए मैं जानना चाहूँगा, हाँ अब आगरा में ये भी मतलब उद्योग बहुत अच्छी तरह पनपेगा और आगरा के बहुत सारे कलाकार ऐसे हैं, बहुत सी छवि ऐसी हैं जो सामने आएंगी और बहुत अच्छा प्रमोशन मिलेगा इसका, बहुत बढ़िया। आपको बता दें कि फिल्म ये बेजुबान मोहब्बत काफी लंबे समय से सिनेमा घरों में आने के लिए इंतजार कर रही थी। फिल्म के प्रोड्यूसर मुकेश नेचुरल आगरा की प्रतिभाओं को कार्य देने हेतु जिस पहल के तहत कार्य कर रहे हैं, मानो आगरा के कलाकारों को एक बेहतर और सराहनीय प्लेटफॉर्म मिल रहा है। अर्थ न्यूज के लिए करतार सिंह बघेल की रिपोर्ट।